नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव और उनमें ईवीएम फेल। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से बयान आया है, 15% मशीनें खराब हुई थी, ये माना है इलेक्शन कमीशन ने। चुनाव आयोग ने यह मान लिया है कि 15% मशीनें खराब हुई थी और शिकायत के बाद मशीनें बदल दी गई। तो उत्तर प्रदेश में सभी लोगों के वोट पढ़वाए जाएंगे, यानी कि फिर से वोट डलवाए जाएंगे, चाहे रात 12 बज जाए लेकिन वोटिंग होती रहेगी। तो चुनाव आयोग ने यह एक फैसला किया है कि 15% हमारी मशीनें खराब थी, उन्हें हमने बदल दिया है। जो लोग वोट नहीं दे पाए हैं उन्हें वोट डालने का पूरा मौका दिया जाएगा, और इसके लिए भले ही रात के 12 बज जाएं, लेकिन वोट हर आदमी जब तक वो चाहेगा वोट डालेगा, अंतिम व्यक्ति वोट डाल सकता है। अजीत सिंह, रामगोपाल यादव इलेक्शन कमीशन जाने की बात कह चुके हैं, 3:15 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग जाएंगे। ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान बड़ी तादाद में ईवीएम की गड़बड़ियां पाई गईं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि ये उपचुनाव है तो 2019 में आखिर क्या होगा। घंटे हो गए भैया खड़े हैं, मशीन खराब हो रही है। कम तो इसलिए आएंगे, ये मशीन खराब नहीं, सुबह से 2-3-4 बार बदल ली, व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ की। ऐसा कोई दूसरी मशीन लगी थी यहाँ पर, वो भी खराब हो गई कैराना में कतारें तो लंबी हुई, लेकिन ईवीएम में खेल हो गया। वोटिंग शुरू हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि ईवीएम में तरह तरह की बीमारी सामने आने लगी। रमजान का महीना, खून सुखाने वाली मई की गर्मी और इन सब के बीच ईवीएम में खराबी की शिकायतें। लोकतंत्र के पर्व में खलल पड़ा तो राजनीतिक दलों में खलबली शुरू हो गई। लोगों ने षड्यंत्र रचा के जो है रमजान में चुनाव कराया, अब मेरा सारा वोट बाहर है, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इनका आखिरी हथियार यही है, आखिरी हथकंडा यही है कि जो है इसे इस तरह से ये अपना खराब करके, मशीनें खराब करके, सत्ता का प्रशासन का जो है जोर दिखा के वो कर रहे। दोपहर तक ईवीएम में खराबी को लेकर लगातार खबरें आती रही। 1 या 2 या 10-12 मशीनें खराब होती तो ताज्जुब वाली बात नहीं थी, यहाँ तो 125 से ज्यादा मशीनों की सेहत खराब हो गई। आरएलडी के साथ साथ बीजेपी ने भी ईवीएम में खराबी की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। ईवीएम की सूचना, खराबी की सूचना हमको भी मिल रही है, और हमने चुनाव आयोग को आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी जिन जिन बूथों पर ईवीएम खराब है तुरंत उनको ईवीएम को ठीक किया जाए और मतदान को सुचारू किया जाए। तो हर खेमे से शिकायतें होने लगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ईवीएम में खराबी की शिकायत की, रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा। जिस तरह से ईवीएम मशीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको खराब करके ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये निंदा की, ये चिंतनीय बात है, और समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इलेक्शन कमीशन से ये मांग करती है कि तत्काल हस्तक्षेप करे ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रह सके। ईवीएम में खराबी को लेकर सबकी शिकायतें हैं और ये तो बस चंद सीटों का उपचुनाव है। सवाल है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव होना है और ईवीएम का ये हाल है, तो फिर मतदान की विश्वसनीयता का क्या होगा? कैसे चुनाव आयोग 2019 में निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दे पाएगा? आशुतोष मिश्रा, कैराना आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।